खुश हो रही है। जब तू नहीं थी ना तो ये भी उदास पड़ी रहती थी। इसके पल ठीक हो गए माँ। अब तू आ गई है तो ये भी ठीक हो जाएगी। तू आराम कर, मैं नहा धो लूँ। अच्छा सकी ना। अच्छा है, ना तो इस पिंजरे से बाहर जाने के काबिल है और ना मैं इस घर से बाहर जाने के लायक हूं। पागलपन तो अब ठीक हो गया ना माँ जी? भगवान की दया से अब तो ठीक है रघु, लेकिन पागलखाने के डॉक्टर ने कहा है कि उसे बीमारी के बारे में कुछ याद मत दिलाना और कोई बात भी मत बताना, जहां तक हो सके उसका दिल बहलाना। समझ गए ना बिटिया रानी का दिल बहलाना। दिल बहलाना, दिल बहलाने का काम ज्ञानी से अच्छा कौन कर सकता है। आंटी आंटी आप लोग कब आए? अभी थोड़ी देर। ओह वो हमारे चांद का छोटा सा टुकड़ा कहाँ है? ऊपर ऊपर। चंदा ओ चंदा। आंटी देख, आंटी ये कैसी दोस्ती है, क्या 6 महीने वो एक भी खत नहीं लिख सकती थी? अरे बेटा शशि की हालत खत लिखने लायक नहीं थी। अब कैसी है? अब तो ठीक है बेटा, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि शशि का ज्यादा वक्त वहां गुजरना चाहिए जहां रौनक हो, शोर हो, ताकि उसका ध्यान दूसरी बातों में लगा रहे। आंटी सिनेमा, होटल, क्लब, ऊपर से ये ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि मुनि का ध्यान बदल जाएगा यहाँ। यू नॉट वरी।
शादी। बाप रे बाप। ज्ञानी, ये 5000 हॉर्स पावर का बल्ब किसने जला रखा? ओ ज्ञानी। ओहो, ये हमारा प्यारा मून है, ये दमकता चेहरा, ये फड़कता यवन। ज्ञानी प्लीज। नहीं शशि नहीं, आज मैं क्लब की सारी रोशनी गुल कर दूंगा और कहूंगा, माय फ्रेंड्स, जो 6 महीने से तुम्हारे दिल के ऊपर अंधेरा छाया है, उस अंधेरे को दूर करने के लिए मैं अपोलो 12 में बैठकर चांद पर पहुंचा। चांद से मैं चांद की मट्टी नहीं लाया बल्कि चांद ले आया। फ्रेंड्स, आप लोग पूछेंगे वो चांद कौन है, वो चांद है शशि। आज बहुत दिनों के बाद क्लब में जान आ जाएगी। नहीं ज्ञानी, मैं क्लब कभी नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी तो मेरे किस्मत का बल्ब फ्यूज हो जाएगा। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो गया। ये क्या मजाक है ज्ञानी? लगता है मिर्गी का दौरा पड़ गया है, जूता सुनारा पड़ेगा और साथ में तो जूते मारने भी पड़ेगा। अरे अरे, तुम मुझे जूते मत मारना। अगर तुम मेरे साथ क्लब चलोगी तो ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। चलोगी ना प्लीज? अच्छा बाबा, चलूंगी। थैंक यू। दोस्तों फूल बरसाओ, क्लब में शशि भी आई है। हाय शशि। हाय शशि। अरे शशि, इतने दिन कहाँ गए भाई? कुछ बोलकर भी नहीं गई। क्यों, बात क्या थी? मेरी तो दुनिया ही सुनी हो गई थी तुम्हारे बगैर। अरे ये क्या बोल गई? तुम लोग कैसे हो? अच्छी है। अरे शशि, जब से तू गए हैं लड़कों ने क्लब आना ही छोड़ दिया। कैसी बातें कर रही? एक्सक्यूज मी, हम क्या मर गए थे? व्हाट अबाउट मी? तेरे लगता है मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। विनो, तुमने मुझे पहचाना नहीं? इसीलिए तो शराब पीता हूँ, किसी को ना पहचान, किसी को भी नहीं। ये विनोद को क्या हो गया? जब से कार एक्सीडेंट में रेखा की मौत हुई है तब से भाई दिन रात पीता है, देवदास हो गया। मजाक मत उड़ाओ। आई एम सॉरी। मुझे नहीं मालूम था कि ये रेखा से इतना प्यार करता था। हाय शशि। हेलो। नमस्ते। दुनिया में फिर वो काम के काबिल नहीं रहा, जिस दिल को तुमने देख लिया दिल नहीं रहा। मुझे रूप कहते हैं। शशि, ये अपने क्लब के नए सेक्रेटरी हैं। ब्यूटीफुल। प्रिंस, प्रिंस। हाय प्रिंस, तुम देवदास कब से बन गए? बन नहीं गया दोस्त, लेकिन लगता है कि अब बन जाऊंगा। पारो कौन है? कल ही मुलाकात हुई थी और रात भर उसे सपने में देखता रहा। दांत तेरे की, ये तो बदहजमी की निशानी है। मजाक मत करो ज्ञानी, आई एम सीरियस। सीरियस? लेकिन कौन है? शशि। शशि? हाँ ज्ञानी, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। लव एट फर्स्ट साइट। शादी करोगे? शादी के बगैर बाकी सब कुछ करूंगा। तो लेकिन रूप, जो तुम सोच रहे हो शशि वैसी लड़की नहीं है, और फिर इस मामले में मैं तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। ज्ञानी, आई डोंट केयर ए डैम। रूप लड़कियों के मामले में किसी साथी के बगैर भी अपना काम चला लेता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है रूप। लगी शर्त? लगी। 100-100 रुपए की। ओनली? ओनली। ओके। लड़कियों की कमजोरी को रूप अच्छी तरह जानता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके माय बॉय, ओके, टेक इट इजी। यू गेट बिजी। ओके, दैट्स योर कैब। थैंक यू। ओह थैंक यू। ओके। हाय शशि। हेलो मिस्टर रूप। शशि जी, ये मिस्टर निकाल कर फेंक दीजिए, आपस की दूरी कम हो जाएगी। आपकी पत्नी कैसी है? पत्नी? किसकी पत्नी? अभी अभी तो ज्ञानी कह के गया कि आपकी वाइफ हॉस्पिटल में है। ज्ञानी ने कहा? उसे मजाक करने की आदत है। सच में आपकी शादी नहीं हुई? अभी तक तो ख्याल नहीं आया। क्यों? ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। बस यूं समझ लो, जिसे आंखें पी जाएं वो रूप नहीं मिला, और जिस पर दिल मर मिटे वो अदा नजर नहीं है। बातें करने की अदा तो खूब है तुम में।
थैंक यू, कभी कभी काम भी कर लेता हूँ। सच? हाँ, अब तो साथ में काम भी कर रही हो, पता चल जाएगा। क्या मतलब? शशि, हमारे अगले चैरिटी प्रोग्राम की हाईलाइट यानी कि हीरोइन तुम हो। मैं हीरोइन? हाँ। सॉरी रूप, मैं तुम्हारे शो में हिस्सा नहीं ले सकती। क्यों क्यों क्यों? मैं कोई आर्टिस्ट थोड़ी हूँ। हाय शशि। हाय। चलो कि हम टेबल टेनिस हो जाए। चलो चलो चलो। अरे थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच। एक दो चार शर्तें ऐसी लगा लिया करो तो मेरे महीने का खर्चा निकल आया करे। यार खर्चे की बात नहीं है, काम की बात करो। काम की? अरे काम भी बन सकता है, लेकिन तुम मेरी बात मानो तब ना। क्या? कान पे हाथ रखो। क्या मतलब? बी सीरियस, शादी की बात सोचो। यार शादी तो बात की बात है, यहाँ तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो कैसे? शशि ने फंक्शन के लिए साफ इनकार कर दिया। अरे ज्ञानी चाहे तो क्या नहीं हो सकता। शशि तो क्या, शशि का बाप भी, अरे वो तो बेचारे स्वर्गवासी हो गए। उसकी माँ भी मान जाएगी, आंटी बिचारी बड़ी सीधी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ माता जी, गरीबों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, और फिर गरीबों की सेवा करना तो महापुण्य है। और मैंने सोचा इतना बड़ा पुण्य वो अकेला क्यों कमाए। ज्ञानी आखिर बात क्या है? दरअसल बात यह है माता जी कि अगले रविवार को मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, उसकी सारी आमदनी गरीबों के मकान बनाने के लिए दे दी जाएगी। और हमारा मून यानी कि शशि, क्यों ना इसमें कम हिस्सा ले। हाँ क्यों नहीं। लेकिन माता जी, शशि जी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने से इनकार कर रही। कर रही है? आंटी कर दिया। मैं उसे मना लूंगी। देखा रू आंटी कितनी दयालु है। बेटा तुम्हारे ख्यालात बहुत अच्छे। यानी? हेलो मून। नमस्ते जी। आप? जी हाँ। बेटा तुमने इन्हें इनकार कर दिया, ये तो भले काम के लिए शो कर रहे हैं। तुम तो जानती हो ना माँ, अब मैं शो में हिस्सा नहीं ले सकती। लेकिन बेटा मैंने इन्हें हाँ कह दिया है। लेकिन माँ। ना 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 ना, अब बहाना नहीं चलेगा। समझो पोस्टर लग गए, मुख्य कलाकार कुमारी शशि। Thank you.
थैंक यू वेरी मच मिस शशि, आपने तो शो में चार चांद लगा दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। क्यों? जिस दुनिया से मैं घबरा रही थी, आज आपकी वजह से उसका सामना करने की हिम्मत आ गई मुझमें। मिस्टर रू, फिर से जीने की तमन्ना पैदा हो गई है दिल में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ज्ञानी आप बेहोश हो गई थी। ये मेरा चैम्बर है और मैं, आप खुद ही पढ़ लीजिए। डॉक्टर प्रेम साइकियाट्रिस्ट, तो आप इंसान के मन से खेलते हैं? जी नहीं, दुखी और बीमार मन को सुखी और सेहतमंद बनाने में मदद जरूर करता हूँ। तब तो मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। क्यों? ना मेरा मन बीमार है और ना ही मैं दुखी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी तक आपने दिल नहीं हारा। नमस्ते। नमस्ते कहकर आप मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। समझ गई, आपकी फीस भिजवा देती हूँ। अजी छोड़िए, फीस में क्या रखा है? कुछ पूछूं तो जवाब देंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जवाब देती तो आपको समझने में आसानी होती। अब थोड़ी देर होगी। क्या मैं कुछ भी ना कहूँ तो भी आप मेरे दिल की बात समझ जाएंगे? क्यों नहीं, ये तो मेरा पेशा है। तब तो आप बहुत खतरनाक आदमी हैं। अरे शशि, शशि तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी रूप, खामखा मेरी वजह से तुम लोगों को तकलीफ पहुंची। नो नो नो, इट्स ऑल राइट, कम चलो। सुनिए मिस्टर रूप, आपका इनसे क्या रिश्ता है? जी डॉक्टर, बस यूं समझ लीजिए कि मैं और शशि, यानी कि शशि और रूप, रूप और शशि। समझ गया समझ गया, थैंक यू। डॉक्टर कोई फिक्र वाली बात तो नहीं? नहीं मिस्टर रूप, यह मामला डर की वजह से हो सकता है, लेकिन ये दौरे फिर पड़े तो यकीन है इलाज की जरूरत होगी। ऐसा दौरा तो उसे पहले भी पड़ चुका है। कब? पिछले जन्मदिन पर जब मैं उसे फूलों का गुलदस्ता भेंट देने के लिए गया तो फूलों को देखकर जोर से चीखी और कहा नहीं नहीं, फूलों को दूसरी तरफ फेंक कर वो बेहोश हो गई। आई सी, तब तो मेरा शक ठीक ही था। शी इज डेफिनेटली अ साइकिक केस। क्या हुआ तुझे? क्या शो अच्छा नहीं रहा? अब अंधेरा है मेरा जीवन साथी है। माँ, आज मैं फिर चमकती बिजली देखकर बेहोश हो गई। मैंने कहा था ना कि मैं अब इस काबिल नहीं रही कि क्लब और प्रोग्राम में जाऊं, लेकिन तुम नहीं। बेटी ये तुम्हारे दिल का वहम है। सोच, जब इतने लाखों करोड़ों लोग बिजली से नहीं डरते तो तू क्यों डरे? जब तक तू अपने दिल को मजबूत करके इस डर का मुकाबला नहीं करेगी, ये डर तुझे डराता ही रहेगा। इस चिड़िया को देख, जानती है कि उड़ नहीं सकती लेकिन कोशिश तो करती है, पंख तो हिलाती है। मैं नहीं चाहती कि ये घर मेरी बेटी के लिए एक बंद पिंजरा बनकर रह जाए। घर शानदार है। शानदार तो है लेकिन घर नहीं। क्यों? सभी कुछ तो है यहाँ। यही तो दुख है कि सब कुछ है यहाँ लेकिन वो चीज नहीं जिसे घर घर कहलाता है। न कोई इंतजार करने वाला, न प्यार करने वाला। इसलिए तो सोचता हूं कि मैं अब शादी कर लूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे नहीं मालूम था
कि तुम्हें घर गृहस्थी से भी लगाव है। लगाव? सिर्फ लगाव ही नहीं, मैं तो समझता हूँ कि उसके बगैर जिंदगी अधूरी है। शिमला में कभी हमारे घर आओ, वहां देखो बच्चों की क्या चाल पहल है। मजाल है कि एक मिनट के लिए भी कोई बोर हो जाए। अरे तुम अभी तक खड़ी हो, बैठो बैठो बैठो। वहां बच्चों की इतनी चहल पहल है, इतनी चहल पहल है कि दुखी से दुखी दिल भी बहल जाए। तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं? बहुत। मेरा सारा घर बच्चों से भरा होना चाहिए, कम से कम एक दर्जन बच्चे चाहिए मुझे। क्यों, तुम्हें बच्चे पसंद नहीं? पसंद है, बच्चे सचमुच प्यारे होते हैं। चलो अच्छा हुआ तुम्हारे आने से एक बात का पता चल गया। क्या? यही कि अब मेरी मंजिल दूर नहीं। वो कैसे? वो ऐसे कि बच्चों के मामले में हमारी पसंद एक है। शशि 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 शशि, क्या हुआ क्या हुआ? मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं चलती हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। पांच रुपए दस पैसे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, कैसी आप? आपको कैसे दिखाई देती हूँ? देखने में जरूर से ज्यादा तंदुरुस्त नजर आती है। क्या मतलब? आपको डाइटिंग करनी चाहिए। आपके कमर का साइज कितना है? अरे रे रे, बेचारे को इतना मत दबाइए, कहीं पीठ पीछे से ना निकल जाए। आप बड़ी खुशमिजाज हैं। थैंक यू। मिस शशि, सुनिए, आपके फ्रेंड मिस्टर रूप कैसे हैं? मुझे क्या मालूम। बड़ी ताज्जुब की बात है, आप अपने बॉयफ्रेंड की खबर ही नहीं रखती। सचमुच रूप आपको चाहता है। ये रूप ही ऐसा है। मिस शशि, ये जरूरी नहीं कि हर आदमी आपके रूप को ही चाहे। अभी तक तो सभी ऐसे मिले। किसी दिन कोई ऐसा भी मिल जाएगा जो आपके रूप और यौवन को नहीं, सिर्फ आपको चाहेगा। ऐसा हुआ तो फिर मिलेंगे। टाटा। यहाँ क्यों रुक गए? जिसे देखकर दिल रुक जाता है उसे तुमको मिलाने के लिए। हेलो रीटा। हेलो बिंदु, मेरी सहेली। हेलो डॉक्टर प्रेम, साइकेटिस्ट, पहला आदमी जिसने मेरे दिल की बात समझी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। अक्सर दवा लेने के लिए आना पड़ता है। मरीज के साथ? रीटा, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। अच्छा बाबा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? आई एम सॉरी, चलो लंच हमारे साथ करो। आज नहीं, फिर कभी, मुझे हॉस्पिटल जाना है। बाय 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 बाय। क्यों, आप इस डॉक्टर का नंबर लगने वाला है क्या? इसका नंबर तो शादी के लिए लगा रखा है। अच्छा, शादी की जरूरत? और तुम्हें बिंदु, ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी, पिछली उम्र में साथ देने वाला भी तो कोई चाहिए। कैसा लगा तुम्हें? टू गुड फॉर यू। थैंक यू। कम ऑन। चलो चलो उठो बेटे। नहीं 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 नहीं, रोते नहीं बेटे, नहीं रोते, चलो चलो उठो। हाँ, नहीं 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 रोना बेटे। मेरे डॉली को लग गया। लेकिन डॉली तो नहीं रो रही। मुझे लगता है तो तुम रोती हो। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। मैं भी डॉली की माँ हूँ। अच्छा, मेरी पुरानी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी जानी बेटी। Thank you.
लगता है बिटिया रानी को फिर से पागलपन का दौरा पड़ रहा है। पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे इस डॉक्टर के पास ला रही हो? चलो वापस चले। बेटा, डॉक्टर श्रीवास्तव ने इसी डॉक्टर के नाम चिट्ठी दी। शशि बिटिया, अब तुम आ ही गई हो तो मिलने में क्या हर्ज है? हर्ज है। मिस शशि, डॉक्टर इज वेटिंग फॉर यू। आप लोग यहीं ठहरिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आखिर आप आई गई हैं? गुड। मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मेरी मम्मी को बहकाने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं आपसे इलाज कभी नहीं करवाने वाली। आप बैठी तो सही। ये जरूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर के पास इलाज ही करवाने आए। दोस्त भी तो आ सकता है। मुझसे दोस्ती की आशा मत रखिए। आप शायद मुझसे इसलिए नाराज है कि मुझे आपकी बीमारी के बारे में पता चल गया। मुझे कोई बीमारी नहीं है। आपको बीमारी है? नहीं, नहीं। तो आप बिजली के डर से बेहोश क्यों हो जाती हैं? गुलाब के फूल को देखकर आपकी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो आपके दिलो दिमाग में चोट पहुंचाती है? इस फूल को देखो। नहीं, नहीं, नहीं। शशि, शशि, आई एम सॉरी। प्लीज रिलैक्स। देखा, मैंने ठीक ही कहा था ना, इस गुलाब के फूल के साथ जरूर आपका कोई संबंध है। याद कीजिए मैं शशि, याद कीजिए। ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था आपके साथ जो आप डरती हैं इस फूल से? डॉक्टर प्लीज मुझसे कुछ मत पूछिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको सब कुछ मालूम है मैं शशि। आपने जानबूझकर उस इंसिडेंट को भुला दिया है। आप जब तक उसके बारे में नहीं सोचेंगी, नहीं याद करेंगी, नहीं बताएंगी, आप इस तरह डरती रहेंगी, दुख उठाती रहेंगी। मैं आपका दोस्त हूँ, हमदर्द हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। नहीं डॉक्टर, इंसान की जिंदगी में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें वो हमेशा के लिए दिल की गहराई में छुपा लेता है। शशि, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद होता है। अपने दिल की बातें छुपाकर खुद भी दुखी हो जाता है और दूसरों को भी दुख पहुंचाता है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बूढ़ी माँ मन ही मन में घुटकर दम तोड़ दे? नहीं नहीं। तो बताइए क्या दुख है आपको?
मेरे दुख का कोई इलाज नहीं है डॉक्टर। इलाज है, हर दुख का इलाज है। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपका दुख बांटना चाहता हूँ। क्या मेरा दुख बांटा जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। मिस शशि, हाउ आर यू? आप? जी हाँ, आपने बुलाया, मैं चलाया। मैंने बुलाया? जी हाँ। थैंक यू, बैठिए ना। थैंक यू। क्लब में आप अकेली बैठी हैं? ऐसी सोच रही थी। नहीं नहीं नहीं, सोचना बिल्कुल मना आपके लिए। आई एम सॉरी, मैं फिर डॉक्टरी करने लगा। नेचुरली, डॉक्टर तो बीमारी की ही बात करेगा। लेकिन आप तो मेरी पेशेंट बनने के लिए तैयारी नहीं है। नहीं नहीं, ये बात नहीं। उस दिन न जाने में क्या क्या बकबक कर गई, सॉरी। कोई बात नहीं, आपका क्लब तो बहुत खूबसूरत है। आइए, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाऊं। आइए ना। चलिए। घर से निकाले करें तो करेगा क्या, एक कलंकिनी को घर की बहू मान लेगा? बड़ा समाज सुधारने चला था। अरे चुप, उसने शादी करके तो दिखाई है। शीला ने ठीक ही कहा है। लेकिन ये शादी चलेगी कब तक? एक गंदी नाली के पानी को कितना ही खूबसूरत ग्लास में रखो, उसकी बास नहीं जाएगी। चली जाती है मिस्टर रूप, जब सूरज की किरणें उसे पी जाती हैं, फिर वही पानी अमृत बनकर बरसता है। लेकिन डॉक्टर, एक गिरी हुई औरत कभी नहीं उठ सकती। उसके गिरने का कारण कौन है? हम? याद रखिए मिस्टर रूप, उसे बाजार में बेचने वाले भी हम हैं और उसे खरीदने वाले भी हम, और आप जैसे मर्द। डॉक्टर! मिस्टर रूप इंसान गलतियों का पुतला है और उस पर यौवन का नशा है। अच्छे अच्छे भटक जाते हैं। इंसान वही है जो भटके हुए को रास्ता दिखा दे। हियर 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 हियर, एक और समाज सुधारने वाले आ गए। मिस्टर रूप, मैं नहीं जानता था कि इस नए जमाने के कपड़े के अंदर एक जाहिल इंसान छुपा हुआ है। कैसे बोला? शट अप मिस्टर प्रेम, ये क्लब सिर्फ मेंबर्स के लिए है, समझे? रूप, तुम मेरे मेहमान की बेइज्जती कर रहे हो। इट्स ऑल राइट मिस शशि, जिस क्लब का सेक्रेटरी मिस्टर रूप जैसा आदमी हो, मैं वहां रुकना नहीं चाहता। थैंक यू। नमस्ते। इट्स ऑल राइट। अरे प्यारे, लड़की तो डॉक्टर के साथ फुर हो गई। लेकिन मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। तो फिर मैं ट्रैप दूंगा। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब। किस लिए? आज मेरी वजह से आपका अपमान हुआ। ओह, अभी तक आप यही सोच रही हैं? फॉरगेट इट। डॉक्टर साहब, मैं रूप से जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। आप उस विचार पे गुस्सा क्यों कर रही हैं? दरअसल में वो आपको जी जान से प्यार करता है, और आदमी प्यार में जरूर से ज्यादा पोजेसिव हो जाता है। अब देखिए ना, अगर आप रूप को किसी लड़की के साथ इस तरह बातें करते हुए देखेंगी तो आप भी ऐसा महसूस करेंगी ना? हाँ, मेरी बला से। मैं शशि प्यार में। ये मिस क्या है, सिर्फ शशि कहिए ना। शशि। प्लीज यहाँ रोक दीजिए। नमस्ते। बाय। Thank you.
कुछ नहीं, जरा गाड़ी खराब हो गई। कोई बात नहीं, ड्राइवर देखो ये गाड़ी ठीक करके लाना। प्रेम तुम मेरे साथ चलो। चलिए बेटा। और ये तू मुझे कहां ले आया? ये क्लब है, यूथ क्लब। क्या क्लब? समझ गया। बेकार और बिगड़े लोगों का अस्तबल। देख बेटा, शादी के बाद सब तुझे आज से छोड़नी पड़ेगी। छोड़ दूंगा ससुर जी, छोड़। ससुर जी, अरे पहले 5,000 रुपया रख, शादी होगी उसके बाद ससुर कहना। वरी नॉट, सब मिल जाएगा। लेकिन पहले ये तो छुपाइए, नहीं तो मेरे सारे दोस्त लोग दम मारो दम हो जाएंगे। फेंक दो। ये पे रख लो, जल्दी करो। आइए ससुर जी, आइए। प्रिंस लाल गोभी। थैंक यू। आप है आरती के डैडी। डैडी राजेंद्र नाथ भाटिया। नमस्ते जी। तशरीफ रखिए। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी जी। मैं आपसे पूछने आया था कि ज्ञानी आपके पास क्या काम करता है। ज्ञानी अपना दोस्त है, यानी कि मैं इनका सेक्रेटरी हूँ। तुम क्यों बीच में बोलते हो, बैठ जाओ। भाटिया साहब, मेरा मतलब है अपना पर्सनल सेक्रेटरी। यानी कि चमचागिरी करता है। ससुर जी, मैं चमचागिरी नहीं करता हूँ। तुम बैठ जाओ जी। आप इसे तनख्वाह क्या देते हैं? तनख्वाह यही 500-600 रुपए। 500 रुपए? हाँ जी। क्यों बे, तू तो कह रहा था कि मुझे 250 तनख्वाह मिलती है। डैडी मैंने 250 नहीं, मैंने तो 2,500 कहा था। आपके कान खराब है ना, सुनने में गलती होगी। चुप कर, चमचागिरी करता है, झूठ बोलता है, ऊपर से बियर पीता है। मैं बियर नहीं पीता। मैं तो पीता हूँ। तो लीजिए, बदमाश कहेगा। भाटिया साहब, तुम चुप रहो जी। ये प्रिंस है, प्रिंस। अरे तो क्या हुआ, मैं भी लड़की का बाप हूँ। अब तुम मेरे ससुर नहीं बन सकते। ससुर? अरे जमाई जमाई। अरे वो भी नहीं बन सकते। बुड्ढा दो बूंद में शेर हो गया। अरे बचाओ, नहीं तो मैं कुंवारा रह जाऊंगा। थैंक यू। अजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रिंस साहब, आपके क्लब का चंदा क्या है? क्लब का चंदा सिर्फ 5,000 रुपए। 5,000? ज्ञानी बेटे, चंदा इनको दे देना। हाँ, दे दूंगा। मैं क्लब का मेंबर बनना चाहता हूँ। यस प्लीज। डॉक्टर साहब हैं? जी नहीं, वो तो पुणे गए हुए हैं। कब आएंगे? 2-3 दिन के बाद। थैंक यू। वेलकम। जलता है ये तन, सुन ओ जाने मन, बाहों में ले ले मुझे। जलता है ये तन, सुन ओ जाने मन, बाहों में ले ले मुझे। प्यासी हूँ साथ में, हाथ दे तू मेरे
डॉक्टर प्रेम? नहीं 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 नहीं, डॉक्टर प्रेम नहीं, सिर्फ प्रेम। क्या डॉक्टरी छोड़ दी? जी हाँ, आपके जैसे एक दो पेशेंट मिल जाएंगे तो जरूर डॉक्टरी छूट जाएगी। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आ जाइए। लेकिन आपकी क्लिनिक में नहीं, वहीं और। तो ऐसा करिए, मैं आपके क्लब में आया था, आप मेरे क्लब में आ जाइए। कौन सा क्लब? गोल्फ क्लब। ओके, बाय बाय। अच्छा, बाय। अरे बाप रे, इतनी दूर? मैं तो बहुत ताकत। इस ताकत के लिए बहुत कसरत करनी पड़ती है मैम साहब। वैसे कॉलेज में बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका हूँ। कोई भी साला दुश्मनी करता था, नाक तोड़ देता था। तब तो आप बहुत बड़े गुंडे होंगे। ऐसे ही समझ लो। तो फिर ये डॉक्टर कैसे बनते? बहुत मारपीट करने के बाद समझ में आया कि इंसान का दुश्मन बाहर कोई नहीं है, उसके अपने अंदर है, उसका मन। मन? हाँ, तुम अपना ही केस देख लो, तुम्हारा मन तुम्हें कितनी तकलीफ दे रहा है, लेकिन तुम जानबूझकर उसके जाल में उलझती जा रही हो। तुम्हारे जैसों की ही मदद करने के लिए मैं डॉक्टर बना। शशि, शशि वहां क्या कर रही हो? इधर आओ ना। क्या सोच रही थी? सोच रही थी आपने ठीक ही कहा। मैं हमेशा हर बार ठीक कहता हूं। उसको निकालो। शशि कब है? तुम पॉट करो। मैं? मुझे खेलना नहीं आता। खेलोगी तभी तो आएगा। ट्राई करो, ट्राई करो। ये बैट नहीं है, इसको इस तरह पकड़ो। हाँ, अब मारो। I'm sorry. मैंने तुम्हें बॉल पॉट करने के लिए कहा था, तुमने मुझे पॉट कर दिया। मुझे खेलना नहीं आता, मैंने कहा था ना। अच्छा ठीक है, आप सहारा दो। मुझे खुद आपके सहारे की जरूरत है। आज शाम मेरे घर चलो ना। आज मुझे किसी पार्टी पे जाना है, फिर कभी। हेलो हेलो, पार्टी खत्म हो गई। रीटा का है? डॉक्टर जब देर से आए तुम्हारी जूब पर जाता है। डॉक्टर कौन से रूम है? 408।
मुझे आशीर्वाद दो माँ। जीती रहो। प्रेम, कल तुम पार्टी में क्यों नहीं आए? क्यों, कोई कमी महसूस हुई? बिल्कुल, तुम साथ न हो तो पार्टी में मजा ही क्या है? पास मत करो, अगर मेरी कमी महसूस होती तो किसी दूसरे आदमी के साथ हम बिस्तर ना होती। तो कल तुम होटल आए थे? होटल ही नहीं बल्कि तुम्हारे बेडरूम में भी आया था। तुम लोग अपनी वास्ता में इतने खोए हुए थे कि दरवाजा भी बंद करना भूल गए थे। शादी कब कर रही हो? शादी वो तो मैं तुमसे ही करूंगी। रीटा, अब ये कहने की हिम्मत है तुम्हें? क्यों, शादी अपनी जगह है और शारीरिक संबंध अपनी जगह है। लेकिन हमारी तहजीब में शादी से पहले शारीरिक संबंध रखना पाप है। जरूरत को तुम पाप समझते हो? जरूरत तो जानवरों में भी होती है। अगर इंसान अपनी जरूरत पे काबू ना रख सके तो जानवर और इंसान में फर्क ही क्या है? प्रेम, तू मेरा अपमान कर रहे हो। अपमान? जिस इंसान को अपने किए पे पछतावा ना हो बल्कि अपने पाप पे नाज हो उसका अपमान कैसा? प्रेम, मैं कब से हाँ दे रहा हूँ तुम सुन नहीं रही हो, कहाँ खोई हुई हो? मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। अभी नहीं रुक, मैं जल्दी में हूँ। अरे चलो। कहाँ? जहाँ तुम्हारा दिल करे। लेकिन तुम्हारी कार? अरे उस टिन के डब्बे की कौन परवाह करता है, मुझे आज तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। कैसी बात? तुम पहले गाड़ी तो स्टार्ट करो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गाड़ी क्यों रुकती? I'm sorry, रुक, मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्या मुझे अपने लायक नहीं समझती? नहीं नहीं, ये बात नहीं। तो फिर क्या बात है? रूप, तुम मेरी बीती जिंदगी के बारे में नहीं जानते। आमा, जो बीत गई सो बीत गई, forget the past। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। यस, आगे बढ़ो। Come on, that's it। शशि, जब तक हमारा पास हमारी आज की खुशियों में दखल नहीं देता हम उसकी फिक्र ही क्यों करें? मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है, अब तुम्हारे फैसले का इंतजार है। रूप, मुझे सोचने का मौका दो। वही ना, लेकिन फैसला आज ही चाहिए। प्लीज स्टॉप द कार, गाड़ी रोको। आज शाम नेशनल पार्क में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके, बाय। शशि, तू आ गई बेटा? सुबह रूप तुमसे मिलने आया था। यहाँ भी आया था? मिला तुमसे? हाँ, वो तो मुझसे शादी करना चाहता है। उसने कह दिया तुमसे? तुमने हाँ कह दिया ना बेटा? नहीं। क्यों? ऐसा अच्छा लड़का तुझे कहाँ मिलेगा बेटा? अच्छे घर का है, अच्छे स्वभाव का है, फिर तुझे चाहता भी है। मेरे जीते जी शादी कर ले बेटा, मुझे कुछ हो गया तो। ऐसा ना कहो माँ, ऐसा ना कहो। मुझे रूप बहुत पसंद है, हर तरह से तेरे लायक है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। मेरी अच्छी बेटी। Thank you.
प्रेम को मैं जो कुछ बताना चाहती थी अब ये सब कुछ रूप को बताना पड़ेगा। हेलो रूप। हाय शीला, आओ आओ बैठो बैठो बैठो। क्या लोगी? नो थैंक्स। रूप, तुमको एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। व्हाट्स दैट? मैं शादी कर रही हूँ। वंडरफुल, मगर किससे? विनोद मान गया है। लेकिन उसकी शराब? शराब उसने छोड़ दी। चलो अच्छा हुआ, इतने दिनों के बाद उसे समझ तो आई। जो नशा तुम में है वो शराब में कहा। तुम्हारी शादी की खबर सुन के बहुत खुशी हुई। लेकिन दिल के कोने में एक हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है। क्या? यही कि तुम पराई हो जाओगी। ओ। हर कोई बात नहीं, विनोद भी तो अपना ही यार है। कम ऑन, लेट अस सेलिब्रेट। नहीं रूप, तुम्हें तो मालूम है मैं शराब नहीं पीती। अरे शराब कहाँ है, ये तो तुम्हारी शादी की खुशी में नहीं, मेरी शुभकामनाएं। प्लीज नो। अच्छा काम करो, तो इसे अपने होठों से लगा लो। ए, ए, दैट्स गुड। तो तुम आ गए? हाय शशि। रूप, तुम सचमुच मुझसे शादी करना चाहते हो? शशि, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्यार तो सभी करते हैं। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। रूप, मुझे चाहने का मतलब है मेरी अच्छाइयाँ, मेरी बुराइयाँ, गुण दोष, मेरा कल, मेरा आज, तुम्हें स्वीकार करना होगा। ये इस वाई नॉट, मुझे कब इनकार है? तो पहले सब कुछ जान लो। ठीक है, तुम जिद करती हो तो इट्स ओके। ये लो। ये क्या? ये क्या है? ये है मेरे कल की कहानी, जिसके बारे में मुझे कहने में भी घृणा आती है। रूप, इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। क्या? इस रात को तुम सिर्फ अपने तक ही रखोगे। ठीक है। मुझे नहीं मालूम आप शादी करोगे मुझसे। अब शादी की क्या जरूरत है? रूप, मेरी चिट्ठी मुझे वापस दे दो। ये तो तुम्हारा सर्टिफिकेट है मेरे पास। शशि, मुझे भी अपने जवानी के बाग का माली बना लो ना। नहीं रूप, नहीं नहीं रूप, ऐसा ना कहो। मैंने तुम्हें भरोसा किया था, उसका फायदा मत उठा। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो सारी दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि तुम गुलाब के फूल से क्यों डरती हो। नहीं नहीं रूप, ऐसा ना कहो। तुम्हारे पागलपन का राज क्या है? रूप, तुमने तो वादा किया था कि ये राज तुम अपने दिल में रखोगे। राज तो मैं अब भी अपने दिल में रखने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरी चिट्ठी वापस दे दो। रूप, मैं कहती हूँ मेरी चिट्ठी वापस दे दो। ये कैंची फेंक दो और चुपचाप मेरे पहलू में आ जाओ, वरना गोली मार दोगे जो अपनी नजरों में पहले ही मर चुकी हो। उस पर मौत की धमकी कोई असर नहीं कर सकती। रूप, शशि, शशि मान जाओ। नहीं।
जाऊंगी। शशि मान जाओ। कमीने। नहीं शशि, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शशि नहीं, मैं तुझे। अब रूप, अबला नारी का जमाना चला गया। आज नारी अपनी मर्यादा के लिए मार भी सकती है। शशि ये लो अपनी चिट्ठी। अब चिट्ठी की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसे नीच आदमी के सीने में मैं अपना राज कभी नहीं रहने दूंगी। शशि, एक लड़की की मजबूरी और बेबसी का फायदा उठाते हो। शशि, शशि मुझे माफ कर। माफ? तुम्हारा जिंदा रहना अभी इस धरती पर बोझ है। मैंने रूप का खून कर दिया। मैं भी आता। अच्छा अच्छा मान लिया, लेकिन ये तो बताओ तुमने रूप का खून क्यों किया? क्यों? क्यों? नहीं, नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी, मैं कभी नहीं बताऊंगी, मैं कभी नहीं बताऊंगी, मैं कभी नहीं बता सकती, मैं कभी नहीं बता सकती, मैं कभी नहीं बताऊंगी, मैं कभी नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बताऊंगी। साहब तो घर पर नहीं है। मालूम है। और कौन है घर पे? मैं हूँ नौकर राम सिंह। कब से नौकरी करते हो? यही 8-10 साल से। तुम्हारे साहब क्या काम करते हैं? क्यों साहब, हमारे साहब ने कोई गड़बड़ किया? राम सिंह जी, तुम्हारे साहब का खून हो गया। खून? किसी ने गोली मार दी। मुझे मालूम था एक दिन ऐसा ही होगा। हमारा शाह बहुत ही दयालु था, बहुत ही अच्छा आदमी था, बस एक खोट था। कैसा खोट? लड़कियों का। लड़कियों का? जी हाँ। तो फिर गोली किसी लड़की ने ही मारी होगी। क्यों नहीं शाह, दुखी औरत सब कुछ कर सकती है। किसी का नाम बता सकते हो? किस किस का नाम बताओ शाह। आज ही दोपहर को एक लड़की का सर्वनाश किया। कौन थी वो? शीला। शीला? सॉरी इंस्पेक्टर, आपको बहुत देर इंतजार करना पड़ा। आप? जी डॉक्टर प्रेम, बैठिए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, आज शाम में शशि के एक दोस्त रूप का खून हो गया है
और इसी सिलसिले में हम मिस शशि से मिलना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त उसकी दिमागी हालत ऐसी नहीं है कि आपके सवालों का जवाब दे सके। क्यों? शायद आपको मालूम नहीं है, उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं और डॉक्टर होने के नाते मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे मरीज के दिमाग पर अननेसेसरी जोर डाला जाए। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन उनसे मिलना बहुत जरूरी है, आप जरा उन्हें बुला दीजिए। प्लीज डू। रघु काका, माँ जी से कहो शशि को यहाँ ले। जी डॉक्टर, ये पागलपन कब से है? ये कोई 8 महीने से। कभी पहले हॉस्पिटल में थी? यस, 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में रह चुकी है। वैसे अभी तो मैं इसकी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, अगर इसकी ऐसी हालत रही तो मेरा ख्याल है फिर इसे हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। वैसी शशि, ये तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। नहीं नहीं, घबराइए नहीं, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। शशि जी, आपको मालूम है आज शाम आपके दोस्त रूप का खून हुआ और पुलिस को शक है कि खून किसी औरत ने किया है। आपकी रूप से आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? मैंने तो आपसे पहले भी कहा था मेंटली शशि इस हालत में नहीं है कि आपके सवालों का जवाब दे सके। अगर आप इजाजत दें तो मैंने इन्हें कमरे में भेज दिया। ठीक है, भेज दीजिए। माँ जी, शशि को ले जाइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, पता नहीं शशि बिटिया कहाँ चली गई, बहुत ढूंढा है कोई पता नहीं चला, माताजी भी बेहोश हो गई हैं। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम घर चलो, मैं देखता हूँ। क्या कर रहे हो? ये क्या है? चिट्ठी। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? शशि बोलो, शशि, शशि बोलो, कौन सी चिट्ठी? शशि क्यों हंस रही हो? शशि बोलो क्या हुआ? शशि क्या हुआ? क्या हुआ शशि? शशि शशि देख रहे हो? जेम्स बॉन्ड को हर चीज पर शक करना चाहिए। गोली है। यहां तो कोई भी नहीं। ओ ज्ञानी साहब, नमस्ते। ओ राम सिंह। वो डर गए क्या साहब? हाँ नहीं नहीं, हाँ क्या कह रहे थे तुम? साहब जब से रूप साहब का मौत हो गया ना साहब, तब से मेरे को बहुत डर लगता है साहब, इसलिए मैं घूंघने लगता हूँ साहब। साहब मैं तो कभी घर छोड़ के चला जाता, लेकिन ये पुलिस वाले हैं ना, जाने नहीं देता साहब। पुलिस जाने नहीं देती? नहीं देता साहब। साहब खूनी का कुछ पता चला?
वही तो पूछने के लिए हम तुम्हारे पास आए। हमसे क्यों पूछता है साहब? हमको क्या मालूम साहब? हम तो सारा दिन घर में रहता है साहब, हमको कैसे मालूम हो सकता है साहब? लेकिन साहब खूनी कब तक छुप सकता है? हमारा मामा जी कहता था खूनी का सांस में भी खून का बास आता है। बास आती है? हाँ साहब। राम सिंह जी साहब, जोर से सांस लो। क्यों साहब? मैं जो कहता हूँ बस चल गया पता खूनी का। क्या पता चला साहब? तुमने रूप का खून किया। क्या बोलता है साहब? तुम्हारे सांस से खून की बास आती है। ऐसा मत बोलो साहब। राम सिंह झूठ मत बोलो। साहब हम नेपाली बच्चा जिसका खाता है उसका नमक हराम नहीं करता है साहब। तुम झूठ बोलते हो राम सिंह। मैं साफ देख रहा हूँ कि तुमने हाथ में पिस्तौल पकड़ा हुआ है। तुम खूनी हो, नमक हराम हो। क्या हमको गाली देना है? नेपाली की कुर्सी मुझे लड़की के सामने मारता है। माता की कसम, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जय भवानी। गिट 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 गिट। हमको गाली देता है, नमक हराम बोलता है। माता की कसम, गिट 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 गोलियां। अरे 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 ज्ञानी पानी 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 पानी। अरे 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 तूने तो हत्यान बॉन्ड को मार मार के बुरकस बॉन्ड बना दिया। जरा पानी तो पीने दे भैया। अच्छा तो पानी पी ले फिर मारूंगा। टेक इट इजी। लेकिन शशि बार बार कह रही कि खून उसी ने किया। शशि कभी रूप का खून नहीं कर सकती। वो तो उसके साथ शादी के लिए तैयार हो गई थी। शादी रूप के साथ? हाँ बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। माँ जी मेरा ख्याल है शशि को डॉक्टर श्रीवास्तव वाले जाना चाहिए, क्योंकि वो उनका इलाज कर रहे थे और उनकी मदद से पता चल जाएगा अगर शशि ने खून किया है तो क्यों किया है, इस खून के पीछे राज क्या है। डॉक्टर प्लीज। स्पीकिंग। देखा भगवान का इंसाफ, जिसके लिए तुमने मुझे ठुकराया कुदरत ने कैसा बदला लिया उससे। कैसी बातें करती हो, शशि ने खून नहीं किया। किसी ने तो किया होगा, हो सकता है तुमने किया हो। देखो कुछ उल्टा सीधा कह मत देना। ठीक है ठीक है, ज्यादा होशियारी मत दिखा। चुप। अरे ज्ञानी ये सब क्या हो गया? आंटी ये सब उस विलन का पत्ता काटने के लिए किया है जो मेरे और आरती के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो गया। मैं कुछ दिनों के लिए ठिशु, ठिशु, जेम्स बॉन्ड बन गया। जेम्स बॉन्ड? वो क्या होता है आरती? एक्सप्लेन। जेम्स बॉन्ड यानी खुफिया पुलिस। यस आंटी यस, मैंने पुलिस से एग्रीमेंट कर लिया है। पुलिस से एग्रीमेंट? हाँ, 5,000 का 5,000। इधर मैंने रूप के कातिल का पता लगाया कि उधर 5,000 मेरी जेब में, इधर मैंने आरती की डैडी की आरती उतारी कि आरती मेरी, शी इज माइन। आंटी तुम्हें किसी पे शक है? शक नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं। खैर कोई बात नहीं आंटी, मैं शशि से पूछ लेता हूँ। वो तो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में फिर से? हाँ, उसे फिर से दौरे पड़ने लगे हैं। ओ गॉड, मैंने सोचा था 5,000 दिलाने में शशि मेरी मदद करेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कातिल का पता लगा के छोड़ूंगा। अच्छा आंटी लेट्स गो। मैंने शशि का इलाज किया है, मैं जानता हूँ शी इज सफरिंग फ्रॉम ए गिल्ट कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खून नहीं कर सकती। सर मैं कहता हूँ कि शशि ने खून नहीं किया। और वो कहती है कि खून उसी ने किया है। ये उसका गिल्ट कॉम्प्लेक्स कह रहा है। बट हाउ डू यू अराइव एट दैट कंक्लूजन माई बॉय, ये तुम कैसे कह सकते हो? सर
डोंट फंबल आउट विद द आंसर, मेरी बात का जवाब दो। सर आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन मुझे अंदर से कह रहा है कि अंदर से कह रहा मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और फिर आपके स्टूडेंट हूँ। नो no, ना तो इस वक्त तुम साइकार्टिस्ट हो ना इस वक्त तुम मेरे स्टूडेंट, इस वक्त तुम प्लेन एंड सिंपल गधे हो। सर आप मुझे गाली दे रहे हैं? ओह नो माय बॉय, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। सुनो एक हट्टा कट्टा नौजवान कैसे गधा बन जाता जानते हो? जानते हो तो बोलो, बोलो बोलो। मैं जानता था कि तुम नहीं जानते, आपको तो मालूम होगा। हाँ आदमी जब प्रेम में फंस जाता है तो गधा हो जाता है। तुम इस वक्त शशि के प्रेम में फंस गए हो। नहीं सर। अब इसमें शर्माने की क्या बात है, हर आदमी जवानी में गधा बन ही जाता है। तुम मुझे देख लो ना, डॉक्टर श्रीवास्तव एमडी एमआरसीपी तुम्हारा गुरु, मगर मैं भी जवानी में गधा बन चुका हूँ। ये देखो प्रूफ, पूछ लो पूछ लो। डॉक्टर साहब शशि जी घर से भाग गई। क्या शशि घर से भाग गए? आत्महत्या करना पाप है। हाँ शशि हाँ। हेलो हेलो शशि। कौन शशि है? मैं शशि की माँ बोल रही हूँ, आप कौन है? आप मुझे नहीं पहचानती, शशि कहाँ है? वो तो हॉस्पिटल में है। वो हॉस्पिटल के बहाने से फांसी से नहीं बच सकी। क्या कह रही हैं आप? परेशान है नजारे तुम्हारी बेरुखी से, परेशान है नजारे, जरा सा मुस्कुरा के पूछने दे दो सहारे तुम्हारी बेरुखी से, परेशान है नजारे, जरा सा मुस्कुरा के तुम इन्हें दे दो सहारे तुम्हारी बेरुखी से। पशेमा किस लिए होती हो तुम अपनी जवानी से, पशेमा किस लिए होती हो तुम अपनी जवानी से,
खुशी और गम का रिश्ता तो रहेगा जिंदगानी से, है गम कैसा कहो हमसे जो है दिल में तुम्हारे तुम्हारे बेरुखी से, परेशान है नजारे तुम्हारी बेरुखी से। जलेगा दिल बहारों का जो तुम आंसू बहाओगी, जलेगा दिल बहारों का जो तुम आंसू बहाओगी, मिलेगा चैन गलियों को अगर तुम मुस्कुराओगी, उसी की जिंदगी है जो इसे हंस कर गुजारे तुम्हारी बेरुखी से, परेशान है नजारे जरा सा मुस्कुरा के तुम दे दो सहारे तुम्हारी बेरुखी से। हेलो, यस, पुलिस स्टेशन। आपने रुपए कातिल का पता देने वाले के लिए नाम रखा है? हाँ हाँ, जरूर रखा है। अगर मैं नाम बता दूं इनाम मिलेगा? श्योर, आप यहां तशरीफ ले आइए। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, वापस चलो। लेकिन क्यों? समझ गया, गुलाब का बगीचा देख के डर गई। नहीं नहीं प्रेम, नहीं। आज मैं तुम्हारा फैम निकाल दूंगा। नहीं नहीं प्रेम, वापस चलो। नहीं क्यों, ये फूल है, कोई सांप नहीं जो तुम्हें डस लेगा, और फिर गुलाब के फूल से तुम इतना डरती क्यों हो? नहीं नहीं प्रेम, वापस चलो, प्लीज वापस चलो। नहीं, आज तुम्हें अपने हाथों से गुलाब का फूल तोड़ना ही होगा। नहीं, नहीं। तुमको आना ही होगा, मैं कहता हूँ शशि, तुमको आना ही होगा। तुम गुलाब के फूल से इतना डरती क्यों हो? क्योंकि झुमरू से दिया करता था। झुमरू? कौन था झुमरू? गुलाब के फूल के साथ झुमरू का क्या रिश्ता था? शशि बोलो, बोलो शशि, झुमरू ने क्या किया? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज, मुझसे कुछ मत पूछो। और वो कहती है कि खून उसी ने किया? ये उसका गिल्ट कॉम्प्लेक्स कह रहा है।
वेरी गुड, काट दो। दिल में छुपे दर्द, भय, गिल्ट कॉम्प्लेक्स को जड़ से काट दो। निराशा के अंधकार को छोड़ के आशा के उजाले की तरफ बढ़ो, आशा के उजाले की तरफ बढ़ो। सर, डोंट वरी, शी इज ऑल राइट, शी इज ऑल राइट। इंस्पेक्टर साहब, ये है आपकी विक्टिम। ले जाइए। मिस शशि, आपको मिस्टर रूप के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। शशि ने अपना जुर्म मान लिया है, तब तो उसे फांसी हो जाएगी। अरे ये तो बहुत बुरा है। अरे डोंट वरी यार, डॉक्टर प्रेम उसकी जमानत के लिए कोशिश कर रहे हैं, बाद में देखा जाएगा। आइए बाहर आइए। क्यों? समझी, मुझे फांसी के तख्ते पे ले जाने आई हो। जमानत हो चुकी है और आपकी माँ आपको लेने आई है। उसे वापस भेज दो। शशि, शशि बेटा, माँ तुम यहाँ से चली जाओ। बाहर आ जाओ बेटा। नहीं, बाहर आ जाए, मैं खूने हूँ, मैं यहीं पर अपनी मौत का इंतजार करूंगी। मुझे मर जाने दो माँ, ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। तेरे सिवा मेरा है ही कौन बेटा? माँ, मुझे मुझे माफ कर दो। तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था कि अपने आंखों के सामने अपनी बेटी की मौत देखो। थैंक यू इंस्पेक्टर। डॉक्टर साहब, मेडिकल ग्राउंड्स पे आपने जमानत मंजूर तो करवा ली, लेकिन कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं, लड़की बचेगी नहीं। इंस्पेक्टर, कानून इंसानियत का पहरेदार है। अब अदालत में मिलेंगे। शशि, शशि, तुम? शशि जानती हो, रूप उस रिवॉल्वर की गोली से नहीं मरा जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान थे। मैं बैरिस्टर मेहता से मिलकर आ रहा हूं, वो कहते हैं पुलिस के सब और कमजोर हो गया। क्या तुम्हें सुन के खुशी नहीं हुई? खुशी? जिस जिंदगी की कैद कोठड़ी को निराशा की सिलाखों से बंद कर दिया हो, वहां खुशी कैसे आएगी? मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है प्रेम। सोचती हूँ मैं क्यों जिंदा हूँ, किस लिए जी रही हूँ। हमेशा ऐसी बुझी बुझी बातें करके अपना दिल भी दुखाती हो और दूसरों का भी। क्यों नहीं इस बोझ को उतार कर फेंक देती है जो तुम्हारी आत्मा पे भारी पड़ रहा है? एक डॉक्टर समझ कर नहीं तो एक दोस्त समझ कर तो बता सकती हो। हेलो,
तुम्हारा फोन है, लो लो ना। हेलो, मैं शशि बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे एक चीज मेरे पास। चीज? कौन सी चीज? तुम्हारे हाथ के लिए चिट्ठी, रूप के नाम। नहीं। कहो तो पढ़कर। नहीं। किस चिट्ठी के बारे में बातें कर रही थी? मुझे कुछ नहीं मालूम। बताओ। छोड़ दो मुझे, मुझे कुछ नहीं मालूम। आज तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना होगा। बोलो चिट्ठी में क्या था? मुझसे कुछ मत पूछो। क्यों ना पूछो? मैं कुछ नहीं बता सकती। नहीं बता सकती? यू मस्ट स्पीक आउट। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। क्या? मैं कभी नहीं बताऊंगी। मैं नहीं बताऊंगी। शशि, मुझे माफ कर दो, मैं अपने आप पर काबू ना कर सका। अहम से भाई, मैं तुम्हारा दुख बांटना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। मेरे पाप की कहानी जानोगे तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। नहीं शशि, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं, नहीं। हाँ शशि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझसे कोई नहीं प्यार कर सकता, मुझसे कोई नहीं प्यार कर सकता। कब तक इस पाप के पिंजरे में बंद रहोगी? तुम्हारा दम घुट जाएगा। तुमने कोई पाप नहीं किया, अगर तुम पापी हो तब भी तुम मेरी हो। प्रेम? हाँ शशि, तुम जो भी हो, जैसी भी हो, तुम मेरी हो। दिल का बोझ हल्का कर लो शशि। बताओ शशि, बताओ। प्रेम? हाँ बताओ शशि। मैं दो विचारधाराओं के दायरे में पली पड़ी हुई, मेरे वो पुराने ख्यालात की है और पिताजी थे नई रोशनी के, उन दोनों की सीमा रेखा कहीं नहीं मिलती थी। मुझ पर पिताजी का प्रभाव पड़ा और मैं पार्टियों में, क्लबों में जाती, नाचती गाती। पिताजी के मरने के बाद मुझ पर इस आजादी का उल्टा ही असर हुआ, मैं रातों को भी बाहर रहने लगी। माँ, आ जाने में देर हो जाएगी। बेटा, हर रोज रात को देर से लौटना ठीक नहीं। ओ माँ, आज न्यू ईयर ईव है, देर तो हो ही जाएगी। वहाँ डांस, म्यूजिक और न जाने क्या क्या होगा। लेकिन बस माँ, आज कुछ ना कहो। हैप्पी न्यू ईयर। टाटा। टाटा। माँ जी, आपने अपनी बिटिया को बहुत आजादी दे रखी है, ये अच्छा नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ रघु, इसके पिताजी जो इसको सर पे चढ़ाकर चले गए। साई तड़ पाए
बुझ पाए कर पाता है अब तो यौवन रास्ते है मेरे दुश्मन ये 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 क्या हुआ अब कुछ चाहिए आ कुछ ढूंढे में है अपने रूप अपने यौवन को देखकर मैं अपने आप पर ही मोहित थी अपने में ही डूब जाना खो जाना चाहती थी Thank you.
मेरी दशा भी आहत पंछी की तरह थी। पंछी तो सिर्फ घायल हुआ था, लेकिन मैं मिट चुकी थी। पश्चाताप के आंसू मेरे पाप को न धो सके। मैंने फैसला किया कि मैं झुमरू को निकाल दूंगी। लेकिन उसे देखते ही मेरा दिल धड़क उठा, जबान न खुल सकी और मैं नफरत से मुंह फेर कर चली गई। बस यही है तुम्हारे पाप की कहानी? नहीं, मेरे पाप की कहानी तो उस रात के बाद शुरू हुई। वही डर, वही उत्तेजना, वही भावना। मैं मंत्रमुग्ध हिरनी की तरह थी। तो हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी, लेकिन उसकी मौत ने मेरी आंखों पे पड़े वासना के उस पर्दे को उतार फेंका, जिसने मेरी लाज, मेरी शर्म, मेरी पवित्रता का मुंह ढाप कर मेरे यौवन की उमंगों को गलत रास्ते पे डाल दिया था। फिर एक दिन जब मैंने अपनी माँ को कहते सुना, बहुत ही सीधा लड़का था बेचारा झुमरू, लेकिन ऐसी मौत शास्त्रों में लिखा है, जिसने बहुत पाप किया उसकी ऐसी मौत होती है। नहीं नहीं माता जी, वो पहले से ही गूंगा और बहरा था, उसने क्या पाप किया होगा? पापन तो मैं थी, पाप के उस एहसास ने और झुमरू की मौत ने मेरे दिल और दिमाग पर इतना असर किया कि मैं पागल हो गई। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद मैंने इस घर की चार दीवारी में सारा जीवन बिताने का सोच लिया था, लेकिन कभी कभी दिल के किसी कोने में एक चाह उठती, मेरा भी घर हो, मैं भी माँ बनूं। लेकिन मैं जानती थी कि इस जीवन में ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? माँ ने एक बार कहा था, शादी एक पवित्र बंधन होता है। माँ की ये बात मेरे दिल में घर कर गई थी। मैं शादी के बारे में कैसे सोच सकती थी? लेकिन तुम तो रूप से शादी करने को तैयार थी। सच पूछो तो शादी तो मैं तुमसे करना चाहती थी, पर तुमने मुझसे कभी अपने दिल की बात मैं तुमसे कहने भी आई थी, लेकिन रीटा का और तुम्हारा झगड़ा सुनकर समझ गया, रीटा और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। वो पाप को आदर्श मानती है
और तुम्हें अपने यौवन की भूल पर पश्चाताप है। शशि, यौवन एक चौराहा है, अगर माँ बाप सही रास्ता ना दिखाएं तो नौजवान अक्सर गुमराह हो जाते हैं। ये तुम्हारी भूल नहीं है, ये तुम्हारी परवरिश की है। तुम्हारा मन आज भी गंगा जल की तरह पवित्र है। प्रेम, इसका सबूत यह है, जिस राज को तुम जिंदगी भर छुपा सकते थे मगर तुमने नहीं छुपाया, क्योंकि तुम्हारी पवित्र आत्मा उस पाप के बोझ को फेंक देना चाहती थी। आज तुमने ये राज बताकर मुझे अपने सुख दुख का साथी बना लिया। हेलो, हाँ मैं शशि बोल रही हूँ। मेरे पास दूध से खून का सबूत भी है, पुलिस में दे दो। नहीं नहीं, मुझे वापस दे दीजिए। तो आज शाम आदम्स एप्पल में 25,000 लेकर आ जाना। 25,000? अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। चलो ब्रीफकेस, तुम आगे चलो, मैं यहीं हूं। मोहब्बत हो गई है इस डॉक्टर से, इसे साथ लाने का अंजाम जानती हो? नहीं नहीं, इसे छोड़ दीजिए, मैं रुपया साथ में लाई हूँ, ये देखो। तुम दोनों यहाँ हो, रुपया अपने आप चला आएगा। जब तुम्हारी माँ को ये पता चलेगा कि उसकी बेटी अपने प्रेमी के साथ मेरी मुट्ठी में है, तो वो लाख रुपया लेकर भी यहाँ आएगी। थे ना? तुमने तो गोली भी मार दी थी, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं। तुम्हारे बाद विनोद ने भी कोशिश की थी। तुम? गोली मैंने चलाई थी। और अभी भी इस पिस्तौल में 5 गोलियां बाकी, मैं तुम्हारा सीना छन्नी छन्नी कर दूंगा। शीला का सर्वनाश करने के बाद आज फिर तुम शशि का जीवन बर्बाद करने जा रहे थे? नहीं नहीं विनोद, शीला के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। माफ? रूप, शीला ने खुदकुशी कर ली और अब मेरा जीना भी बेकार है, लेकिन मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मर गया। कपड़ा बदल कर मैंने विनोद की शक्ल बिगाड़ दी, ताकि दुनिया ये समझती रहे कि तुमने मेरा खून कर दिया।
दोबारा निशाना नहीं चुकेगा। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। खोल दो उसे, खोलो खोलो। Thank you.
इंजेक्शन चलाने वाला क्या रहा है? वंडरफुल वंडरफुल। वेरी गुड डॉक्टर। गोली तुझे नहीं, रूप को लगी। रूप को लगी, रूप को लगी। रूप आउट आउट आउट। दिख